एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार की नाराजगी को लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल में हड़कंप मचा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी कि अजित पवार एनसीपी के 40 विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन देंगे। इसके बाद अजित पवार ने मीडिया के सामने आकर इन तमाम चर्चाओं से पर्दा उठा दिया। अजित पवार ने बताया कि जब तक वह जिंदा रहेंगे एनसीपी के साथ काम करेंगे। इसके बाद ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे ने अजित पवार की नाराजगी की आलोचना की। इस दौरान सुषमा अंधारे ने कहा, बीजेपी ने अजित पवार की पटकथा लिख दी है। वज्रमूठ और खेड़ और मालेगांव की सभाओं से महाविकास आघाड़ी को मिल रही बढ़ती प्रतिक्रिया बीजेपी के लिए भय का कारण बन रही है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार की नाराजगी को लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल में हड़कंप मचा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी कि अजित पवार एनसीपी के 40 विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन देंगे। इसके बाद अजित पवार ने मीडिया के सामने आकर इन तमाम चर्चाओं से पर्दा उठा दिया। अजित पवार ने बताया कि जब तक वह जिंदा रहेंगे एनसीपी के साथ काम करेंगे। इसके बाद ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे ने अजित पवार की नाराजगी की आलोचना की। इस दौरान सुषमा अंधारे ने कहा, बीजेपी ने अजित पवार की पटकथा लिख दी है। वज्रमूठ और खेड़ और मालेगांव की सभाओं से महाविकास आघाड़ी को मिल रही बढ़ती प्रतिक्रिया बीजेपी के लिए भय का कारण बन रही है।